होली का त्योहार आते ही जो एक चीज हमारे जहन में आती है वो है होली के पकवान, जो लोगों के मुंह में पानी ला देने वाले होते हैं। वहीं होली और महाशिवरात्रि पर बनने वाली ठंडाई को हम कैसे भूल सकते हैं। आजकल लोग फ्लेवर्ड ठंडाई भी बनाते हैं, जिसे लोग काफी पसंद करते हैं। अगर आप लखनऊ घूमने आए और यहाँ की ठंडाई का स्वाद न चखे तो समझिए घुमक्कड़ी का शौक अधूरा रह गया। यहाँ आने वाले अधिकतर पर्यटक ठंडाई का स्वाद लिए बिना वापस नहीं जाते। वहीं जब मौका हो महाशिवरात्रि पर्व का तो शिवजी के प्रिय पेय पदार्थ ठंडाई का जिक्र करना तो बनता ही है। इस दिन लाखों भक्त न केवल भगवान शिव को ठंडाई का भोग अर्पित करते हैं, बल्कि प्रसाद के तौर पर इसका सेवन भी करते हैं। इस बार महाशिवरात्रि के अवसर पर लखनवी जायकों में करते हैं यहाँ की मशहूर ठंडाई का जिक्र। भैया, हमने सुना है कि शिवरात्रि आ रही है और आपके यहाँ जो है ठंडाई की मांग बढ़ गई है, क्या स्पेशल है आपके यहाँ? मैम, ठंडाई शिवरात्रि होली में बहुत दूर दूर से लोग पीने आते हैं और चौक की ठंडाई हमारी गिरधारी ठंडाई भंडार के नाम से मेरी शॉप है, लोग आके पीते हैं। शंकर जी की बारात होती है उस दिन और लोग इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बहुत ही इंजॉयमेंट करके लोग ठंडाई का सेवन करते हैं। ठंडाई की कई सी बहुत सी विशेषताएं हैं, जैसे कि लोग ठंडाई को लोग काजू बादाम पिस्ता सौंफ इलायची गुलाब की पत्ती खसखस तरबूज के बीज और भी चीज़ें इसमें मिला के हम लोग तैयार करते हैं, सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी रहती है। होली का पर्व आ रहा है, होली में भी लोग ठंडाई का जो है सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। गर्मियों के दिनों में लोग ठंडाई लोग बहुत दूर दूर से आके पीते, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लोगों को लू को बचाने के लिए लोगों को तरोताजगी पाने के लिए लोग ठंडाई पीते हैं। हमारी शॉप पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लोग ठंडाई पीना बहुत पसंद करते हैं। कितनी पुरानी दुकान है? मैम, ये हमारी 70 ईयर्स पूरा आ गया, 70 साल पुरानी दुकान है। सिर्फ ठंडाई के लिए मशहूर है? जी मैम, ठंडाई दूर दूर से लोग आके पीते हैं और ठंडाई स्पेशल हमारी मशहूर है। लखनऊ शहर में ठंडाई की मांग बढ़ती जा रही है, यही वजह है कि 70 साल से कायम गिरधारी ठंडाई भंडार का खुमार हर साल की तरह इस साल भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। लोगों ने होली पर एडवांस में ही ठंडाई बनाने की बुकिंग इनको दे दी है। दरअसल गिरधारी ठंडाई भंडार 70 साल पुरानी ठंडाई की दुकान है, जो कि लखनऊ के चौक चौराहे पर स्थित है। इसकी शुरुआत गिरधारी लाल तिवारी ने की थी, अब उनके बेटे अंकित तिवारी से संभाल रहे हैं। ठंडाई कैसे बनती है, चलिए जानते हैं अंकित से। जी मैं बिल्कुल दिखाता हूँ ठंडाई हमारी कैसे बनती है। ये क्या है भैया? ये ठंडाई के मसाले हैं। इसमें सौंफ इलायची गुलाब की पत्ती खसखस काजू बादाम तरबूज के बीज काली मिर्च सब मिला के इसको तैयार किया गया। अच्छा, तो आपने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए? जी 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 जी, इसमें पिसे हुए भी ड्राई फ्रूट है और इसमें समूचे भी ड्राई फ्रूट हैं। जी मैं यहाँ बनाता हूँ। ये चाशनी मिला रहे हैं हम, ठंडाई बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी मिलाई जाती है जिससे मिठास आती है। शक्कर की होती है स्पेशली, ये जो है खुद पका के खुद बढ़िया तरीके से इसको हम लोग तैयार करते हैं। इसको तैयार करने में पूरा एक दिन लगता है। तो मिला रहे हैं ठंडा करने के लिए। ये केसरिया मिल गए, इसको खुद पका के हम लोग एकदम केसर तरीके से मिला के इसको तैयार करते हैं। ये काजू बादाम के मसाले हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें मिलाई गई हैं। इसमें काजू बादाम सौंफ इलायची गुलाब की पत्ती खसखस काली मिर्च तरबूज के बीज सब तरह से इसको तैयार किया गया है। हम काजू पिस्ता सब इसमें मिला के इसको तैयार करते हैं। ये गुलाब जल है, ये बहुत ही हल्की मात्रा में इसमें हम लोग काली मिर्च मिलाते हैं, तो टेस्ट थोड़ा सा और यूनिक टाइप का बन जाता है। ठंडाई का एक असली टेस्ट आता है कि ठंडाई इस तरह से तैयार की गई है। ये तैयार है गिरधारी ठंडाई? जी मैम, ये ठंडाई हमारी तैयार है और इसको सब चीजों से तैयार करा गया है। इसमें काजू बादाम पिस्ता सौंफ इलायची गुलाब की पत्ती खसखस काली मिर्च गुलाब जल और इसको केसरिया मिल्क से बनाया गया। लोकल 18 लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।